ओके गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को और भी ज़्यादा सिक्योर कैसे कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो गाइस मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को और भी ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं। तो गाइस आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन कर लेना है, यानी इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर चले जाना है। प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको यहाँ से थ्री लाइन दिखेगा राइट साइड में। तो दोस्तों आपको थ्री लाइन के ऊपर चले जाना है। थ्री लाइन के ऊपर आने के बाद आपको फर्स्ट नंबर पर ही सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आपको सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन खोजना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइप का सिक्योरिटी का ऑप्शन है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एक ऑप्शन है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं, तो गाइज मैं इसके ऊपर क्लिक कर लिया है और यहाँ से आपको गेट स्टार्टेड नाउ के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ से जैसे हम गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर तीन ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो ऑटो रिकमेंडेड दिया गया है ऑथेंटिकेशन ऐप का, जो कि आपको डाउनलोड करना होगा, जिससे आपका सिक्योरिटी कोड उसी के पास रहता है, वही सिक्योरिटी कोड डालकर आप अपने अकाउंट को सिक्योर बना सकते हैं। एंड सेकेंड तरीका है व्हाट्सएप का, जिस भी नंबर से आप व्हाट्सएप कनेक्ट किए हैं, फेसबुक बनाए हैं, तो दोस्तों उस नंबर को आपको अपने व्हाट्सएप अकाउंट से लिंक है तो यहाँ पर इस ऑप्शन को अलाउ कर सकते हैं और यहाँ से उस व्हाट्सएप पर कोड जाएगा, उस कोड से तभी लॉगिन कर पाएंगे। और यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन है टेक्स्ट मैसेजेस। तो दोस्तों टेक्स्ट मैसेजेस बहुत इजी है, चलिए मैं इसको बताता हूँ। टेक्स्ट मैसेज में होगा क्या, अपना आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करना है और वेरीफाई कर लेना है। सिंपल सा तरीका है, जैसे हर एक टू स्टेप वेरीफिकेशन में होता है। तो चलिए मैं थर्ड वाले ऑप्शन को यहाँ पर अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर दिया जाएगा, तो दोस्तों उसी के पास कोड यहाँ पर सेंड होगा। दोस्तों कोड यहाँ पर आएगा 6 अंक का होगा, आपको फिल करना है और उसके बाद डाउन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेरा कोड आ गया है, तो दोस्तों यहाँ से फिल कर लेते हैं 508127। तो दोस्तों यहाँ से अपना कोड यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद आपको डाउन के ऊपर प्रेस करना है। जैसे डाउन के ऊपर आप प्रेस करेंगे तो दोस्तों यहाँ से नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा डाउन। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो टू स्टेप ऑथेंटिकेशन ऑप्शन है वो ऑन हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको डाउन कर देना है। आप चाहे तो व्हाट्सएप के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा ऑलरेडी इसी नंबर पर मेरा व्हाट्सएप भी बना हुआ है। मैं चाहूँ तो यही इस ऑप्शन को इनेबल करके मैं व्हाट्सएप कोड से भी लॉगिन कर सकता हूँ। मैं फ़िलहाल इसे नहीं करता हूँ, यहाँ से डाउन कर देता हूँ। डाउन करने के बाद जो मेरा अकाउंट है 100% सिक्योर हो चुका है। एंड उसके बाद रिकवरी यहाँ पर कोड दिया गया है। यदि आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो, आपका मोबाइल नंबर भी खो जाता है, तो उस स्थिति में आपका जो यहाँ पर रिकवरी कोड है यही काम देता है। तो गाइज आप अपने रिकवरी कोड का स्क्रीनशॉट मारकर रख लीजिए, तभी आपका जो अकाउंट है लॉगिन होने में आपको कोई परेशानी होगा तो ये जो रिकवरी कोड है बहुत काम करेगा। तो गाइज इस प्रकार आपने सीखा कैसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इंस्टाग्राम में ऑन किया जाता है और अपने अकाउंट को और भी ज़्यादा सिक्योर किया जाता है। यदि गाइज आपको ट्रिक मालूम थी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, यदि आपको वीडियो नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।